सो हेलो गाइस, और यार मैं वापस से आ चुका हूँ अपनी वन ब्लॉक की दुनिया में। जी हाँ गाइस, यार मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद जो है यार वन ब्लॉक की दुनिया में आया हूँ। और सबसे पहले गाइस मैं थोड़ी बहुत चेरीज अपने लिए तोड़ लेता हूँ, बिकॉज यही काम आती है ऐसे। गाइस यार वन ब्लॉक गाइस का भी ज़्यादा बोरिंग मोड है गेम का, मेरे को अच्छी तरह पता चल चुका है ये। गाइस आज यार अपने पे गाइस बहुत ज़्यादा काम जो है यार पड़ गया है, ठीक है। तो यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी गाइस हम लोग अपना काम निपटाएंगे, यहाँ से खटक लेंगे। तो इमे का है 4 आयरन इंगट्स, 40 होए सिंथोल से नहा है। सो गाइस मैं यहाँ पर जो है वापस से आ चुका हूँ, और गाइस मेरे को अपनी चंपा चमेली नहीं दिख रही, आई थिंक गाइस वो है ना। हाँ मेरे को याद आया, मेरी चंपा चमेली तो गाइस इस जगह से कूद कर जो है नीचे गिर गई थी। यार गाइस मैं सोच रहा हूँ यार आज इसी जगह को जो है बड़ा करूँगा मैं अच्छी तरीके से। एक गाइस मैं अभी यार माइन ही कर रहा था, और मेरे को गाइस यहाँ पर एक और चेस्ट मिला है, और इसमें गाइस गोल्डन एप्पल। भाई साहब गाइस एक पोशन है, पोशन ऑफ वीकनेस। और गाइस यार इतने सारे तरबूज भाई। सो गाइस मैंने जो है यार अपने सारे तरबूज इकट्ठा कर लिए हैं, और ये क्या है ब्लेज पाउडर, ये क्या है ब्रूइंग स्टैंड, और नीदर व्रथ वार्थ जो भी है। तो भाई साहब सबसे पहले तो यार गाइस मैं बिना मरे इन्हें यहाँ पर डालना चाहता हूँ। गोल्डन एप्पल देवता मिल गया, बस समझो गाइस गोल्डन एप्पल हाथ लग गया तो देवता हाथ लग गया। पोशन ऑफ वीकनेस, ब्लेज पाउडर, ब्रूइंग स्टैंड, नीदर व्रथ। पता नहीं गाइस नीदर व्रथ क्यों मिले हैं मेरे को, और इसमें क्या है। सो गाइस मेरे को गाइस ये वाली चेस्ट यार तोड़नी पड़ेगी, ताकि गाइस और हम लोग जो है ब्लॉक्स आ पाए। और गाइस मेरे को लगता है यार जल्दी गाइस हम लोग जो है इतने ज़्यादा अमीर होएंगे ना, क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास। होए गाइस यार आई थिंक गाइस आज ना यार मेरा चेस्ट वाला दिन है, क्योंकि एक और चेस्ट जो है मेरे हाथ लगी। ओह माय गॉड ये क्या है, इसमें सोने की, क्या है ये सोने की धूल भाई साहब। और मेरे को गाइस काफ़ी सारा यहाँ से गोल्ड भी बरामद हुआ है, और ये क्या है येल्लो डाई। भाई क्या करूँगा मैं इस येल्लो का, येल्लो पॉटी जे यार। सो यार गाइस मैंने अपना सारा सामान जो है वहाँ पर रख दिया अपनी चेस्ट में, और गाइस मेरे पास यार जगह काफ़ी ज़्यादा जो है यार बढ़ रही थी, तो गाइस मैंने एक चेस्ट और लगा दी है। सो अभी गाइस यार मेरे को ये काफ़ी सारा खोदना है यहाँ का जमीन। ओ गाइस मेरे लिए एक और चंपा आ चुकी है, कहाँ है चंपा चमेली। अरे क्या तोड़ा इसने, ओए क्या खा रही है, देखना देखना गाइस मेरा कोबलस्टोन, ओए वापस दे ओए चंपा, ये मत कहना कि वो गिर गई। ठीक है गाइस हमें गाइस हमारी चंपा चमेली वापस मिल चुकी है, मैं गाइस जरा उस जगह को कवर कर। सो गाइस मैंने जो है यहाँ पर ये वाली डर्ट लगा दी, और गाइस आई थिंक अब जो है हमारी चंपा एकदम सुरक्षित है। चंपा तेरे को कुछ खाना है, ला मैं देता हूँ अभी, ये दे देते हैं इसे, खाएगी चेरी। चंपा नहीं, अच्छा ले चंपा, कहाँ हो तुम चंपा, चंपा ले 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 ले। ओ इसने कोबलस्टोन छोड़ दिया, अच्छी बात है, ये तो मेरी दोस्त है, थैंक यू, मैं तेरे को अपना एक्स्ट्रा सामान कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि ओ उसने एक चेरी भी खा ली मेरी। चलो कोई नहीं गाइस हमारी पेट है आखिर चंपा। सो गाइस यार एक और चेस्ट जो है आ चुकी है। ओ भाई ये तो आइस से भरी पड़ी है भाई साहब, कितनी ठंडी ठंडी कूल। सो गाइस यार अभी यहाँ पर है ना स्केलेटन आ गया जिसने मेरे को मार दिया। मेरी तलवार मेरी तलवार मेरी तलवार, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा हुआ गाइस मेरा सारा सामान जो है उस स्केलेटन ने छोड़ दिया। चंपा तू ठीक है ना, ठीक है ना तू, तू जो गाइस चंपा के साथ में थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। चंपा अरे चंपा
नहीं यार, इस एरिया को भी गाइस मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। वे ये क्या है? अरे हाँ गाइस, उसने ना मेरे को ये वाले तीर मारे थे, एरो ऑफ स्लोनेस। तंपा, वो यहाँ बैठ के क्या कर रही है तू? मैंने इसे बंद कर दिया गाइस चंपा को। ये तो टूट भी नहीं रही भाई, कैसी बर्फ है, तोड़नी नहीं चाहिए, यहीं लगी रहने दो। गाजर मेरे को है ना यार, इतनी सारी बर्फ मिली है, मैं इसे जल्दी डाल। ओके सो गाजर, मेरे पास एक और पेट आ चुका है। कहाँ गया चंपा? मैं तेरे लिए दोस्त लेकर आया था, कहाँ गया भाई चंपा? कहाँ गया मेरा पेट? वो भी गिर गया होगा। मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं चंपा को आज़ाद कर दूँ। जा चंपा, जी ले अपनी ज़िंदगी। वो रहा देखो गाइस। हेलो 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 हेलो, तुम बहुत अच्छे दोस्त बनोगे क्यों, है ना? एकदम अच्छे से रहोगे क्यों, है ना? तो गाइस मेरे यहाँ पर ये भालू आ गया है। ओए निकल यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं भाई। ये तो हमला कर रहा है, निकल निकल निकल, दूर रह मुझसे, दूर रह दूर रह। भाई मेरे पास आर्मर नहीं है। ओके ये भालू तो बड़ा कमजोर था, क्यों है ना चंपा चमेल? हड्डी कौन खाएगा? ले हड्डी का। ओके गाइस, हम जो है यार नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और गाइस मेरे पास आई थिंक काफ़ी सारा डर्ट पड़ा है, तो यार गाइस मैं सोच रहा हूँ यार हम जो है गाइस नए फेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। और गाइस मेरे को है ना यार एक बच्चू भी मिल गया है, उसी में से ये बच्चू निकला था, चिच्चा था छोटा सा। कहाँ गया भाई? ये देखो गाइस, चंपा और सोमू ने गाइस एक दूसरे के साथ जो है मुँह काला कर लिया। ओ ठीक है, सैंड बस मेरे को सैंड जैसे ही लग रहा है, इससे टूटेगा वो भाई। अच्छा ये सैंड आ गया, अब मेरे को गाइस सैंड भी मिलना स्टार्ट हो गया, अच्छा है। ऐसे तो गाइस मैं सैंड की मदद से यार कांच बना पाऊंगा। चलो सही है सही है। तो ये क्या आ गया? आ आ आ आ भाई साहब, सैंड वाला ज़ॉम्बी। चलो गाइस अच्छा है यार, अब मेरे को गाइस काफी सारी चीजें मिल जाया करेंगी आराम से। गाइस मैं ना यार थोड़े टाइम के लिए बाहर आया था, और मेरे को कुछ आवाज आई थी। किस चीज की आवाज थी? नहीं सोमू, तेरे बच्चे को तेरी जरूरत है। कहाँ के दोनों? ये इनका पति मर रखा है यहाँ पर। अरे हमें कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। कहाँ गई पागल? मैं तेरी, वो समझ रही है कि मैं उसका कातिल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई उसे समझाए। वो तो गाइस मेरे को काफ़ी सारा सामान जो है यहाँ पर मिल गया है, पता नहीं गाइस ढेरों लाखों करोड़ों, ये क्या चिजल्ड सैंडस्टोन, सैंड सैंड स्टोन, कट सैंडस्टोन, टीएनटी, रेड स्टोन, लैपिस लुलुली। भाई साहब पता नहीं गाइस क्या क्या मिल गया। और प्रेशर प्लेट, हाँ गाइस ये वाली जो गाइस प्रेशर प्लेट थी ना, टीएनटी के ऊपर थी लगी हुई एक्चुअल में। और ये गाइस डंडी मेरे को एक पौधे को तोड़ने से मिली है।
भाई साहब, यानी गाइस हम लोग जो है जल्दी से माला माल हो। ओके सो गाइस, यार एक और चेस्ट जो है मेरे पास है, ओ इसमें सैडल है घोड़ा लेने के लिए, तब तो गाइस मैं घोड़ा जरूर लूंगा। अब जब सैडल आ चुकी है तो भाई तबेला तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। और मेरे पास यार पता नहीं यार कितना ही ढेरों लाखों करोड़ों का गाइस जो है सामान आया हुआ। तो गाइस मैं सोच रहा था ये जो गाइस मेरे को ये ब्रूइंग स्टैंड मिला ये है किस काम के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ यार इसे यहाँ पर लगा कर देखो। ओके तो ये तो मेरे को गाइस कुछ लगता है स्टैंड टाइप का, होता क्या है इसमें क्या? अच्छा नीचे तीन, अच्छा गाइस आई थिंक गाइस हम इसकी मदद से जो है पोशन बना सकते हैं, अब पता चला मेरे को। गाइस मैं पहले जो है यार अपना फर्नेस में सारा कुछ मेल्ट कर, सो गाइस मेरा जो यार आयरन वगैरह सब कुछ मेल्ट हो चुका है। और यार मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पर जो है मैं ग्लास लगा दूँ। और मेरे ग्लास कहाँ हैं भाई, मैंने बनाए तो थे इतने सारे, हाँ 14 ग्लास है गाइस मेरे पास, ये सारे सारे मैं यहीं पर लगा देता हूँ। अब गाइस अपना जो घर है यार उसमें थोड़ी सी बहुत लुक आ जाएगी अच्छी वाली। और इस साइड भी गाइस जो है मैंने ग्लास लगाने का फैसला किया था। ओके और कहाँ कहाँ लगने थे ग्लास? आई थिंक गाइस बस दो ही जगह जो है ग्लास लगने थे। हाँ गाइस मैं सोच रहा हूँ ये जो एक ग्लास है ना गाइस मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत गाइस धूप वूप आती रहेगी अपना ऊपर से। सो ओके गाइस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी जाते जाते। बाय बाय।